हे फूडीज, कैसे हो आप। मैं हूँ पल्लवी, पल्लवी कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लौकी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बस 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रेसिपी पूरी वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि रेसिपी कैसे बनानी है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है तो चलिए मेरे साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने लौकी ले ली है। लौकी को ना हमने अच्छे से काट लिया है और तुअर की दाल उसके अंदर हमने मिक्स कर दी है। उसे हमें अच्छे से वॉश कर देना है। कुकर रख दिया है गैस के ऊपर, उसके अंदर हमने जीरा ऑयल डाल के उसके अंदर जीरा और हल्दी डाल दी है। अभी वॉश की हुई लौकी और हमने जो तुअर की दाल थी वो हमने वॉश करके रखी थी वो डाल देंगे इसके अंदर। नमक डाल देंगे स्वादानुसार, 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक डाल दिया है। उसे हमें अच्छे से कर देना है मिक्स, और मिक्स करके हमें उसके अंदर ना पानी डालना है। पानी की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो उसकी जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगी। और विस्टल लगाकर हमें 3 से 4 विस्टल हमें मीडियम फ्लेम पर ले लेनी है। और हमारी विस्टल आ रही है तब तक हम मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमने ले ली है 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो ज़्यादा ले सकते हो, कम करते हो तो कम ले सकते हो। उसके अंदर हमने डाल दिया है थोड़े से रोस्टेड पीनट्स। हमने थोड़ी सी जो मूंगफली थी उसे रोस्ट करके ही लेना है, आपको बिना रोस्ट किए हुई मूंगफली इसमें यूज़ नहीं करनी है। इसके अंदर हम ले लेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। उसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अभी हमें इसे बिना पानी का पीसना है। और आप ये देख रहे हो हमने जो बिना पानी से इसे पीस लिया है। अभी गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख के उसमें हमने ऑयल डाल दिया है और जो मसाला हमने ब्लेंड करके लिया था ना वो हमें डाल देना है और उसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। अभी मिक्सी में थोड़ा सा मसाला बच जाता है तो पानी डालकर वो पानी हमें डाल देना है मसाले के अंदर। मसाला भूनने के बाद ही पानी डालना है और ऑयल सेपरेट होने तक हमें ये मसाला भूनना है। और आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी हमने जो कुकर में लौकी और दाल बॉईल करके रखी थी उसका प्रेशर रिलीज होने के बाद हमें डाल देनी है कढ़ाई के अंदर। और इसे ना हमें ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से पकाना है। एक बॉईल आने तक हमें अच्छे से इसे पकाना है ताकि हमारी जो सब्ज़ी की टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नमक डाल देंगे स्वादानुसार, नमक बच कर डालना है। इससे पहले भी हमने जब सब्ज़ी बॉईल की थी तब हमने नमक डाला था, तो आपको नमक टेस्ट करके ही डालना था। और हमारी ये जो ऑयल सब्ज़ी है अभी हमने डाल दी है सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए। और हमारी जो टेम्पटिंग सी लौकी की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसी तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाओगे तो आप कभी लौकी की सब्ज़ी से बोर नहीं होगे और यही लौकी की सब्ज़ी आप बार बार बना के खाओगे। अगर झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, बस 5 मिनट की रेसिपी है, 5 मिनट में पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कौन सी नई रेसिपीज़ देखना पसंद है। मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आपकी जो फरमाइश है आपकी फरमाइश मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और सब्सक्रिप्शन के बाद जो नीचे बेल बटन दी उसका जो बटन है वो आपको ऑल करना है, तभी आप मेरे सारे वीडियोस देख पाओगे। फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख़ास करके खाते रहिएगा। बाय बाय।